संतान के सुख समृद्धि के लिए शनिवार को महिलाओं ने निरजल व्रत रखकर तीन छठी पर्व का विधि विधान से पूजा अर्चना किया। गौरतलब है कि उत्तर भारत में जन्माष्टमी से पहले पड़ने वाली छठ को तीन छठी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं संतान के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना हेतु व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं हल से जोती हुई किसी भी चीज का सेवन नहीं करती हैं। दरअसल तीन छठ या हल छठ का दिन बलराम जी को समर्पित होता है और उनका प्रमुख शस्त्र हल था। इस कारण हल जोतकर उगाई हुई चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। भगवान बलराम को शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के हमेशा साथ रहने वाली शैया के रूप में जाने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण के जन्म से दो दिन पूर्व भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उनके भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन भी व्रत और पूजा करने की परंपरा है। तीन षष्ठी का व्रत विशेषकर पुत्रवती महिलाएं करती हैं। यह पर्व हल षष्ठी, हल छठ, हर छठ व्रत, चंदन छठ, तीन छठी, तिन्नी छठ, ललही छठ, कमर छठ या खमर छठ के नामों से भी जाना जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पुत्र के दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए करती हैं। इस दिन विशेष रूप से हल की पूजा की जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करती हुई व्रती महिलाओं ने कहा, छठ का व्रत हम लोग मनाते हैं। हम लोग का हर मनोकामना पूरा होता है, पुत्र लोग मांगते हैं, पुत्र देती है माता रानी। निराजल व्रत रहा जाता है, वो दिन में तिन्नी का चावल साग खाया जाता है, महुआ का, यही सब का पूजा वूजा होता है। इसमें यो महुआ लगता है, दही लगता है, तिन्नी का चावल लगता है, पीला सिंदूर लगता है, महुआ का पत्ता लगता है, दतुअन लगता है, यही सब लगता है। बिन जोता बुआ का फल भी लगता है, खाते हैं लोग। उर्मिला पांडे, त्यौहार हम लोग बेटा के लिए करते हैं और कुश गाड़ते हैं, महुआ टीना के चावल यही सब लेकर हम लोग गाड़ के पूजा करते हैं, गौरी गणेश बनाते हैं और बेटा के व्रत है, बेटा के लिए हम लोग व्रत करते हैं।